आपको वो अपलोड कर देता हूँ स्कैन करके, इस ब्रांड की देखते हैं केवल इसी ब्रांड। अच्छा आप कल आई थी? परसों की बात आई थी। कितने आए गिनती? कब की बढ़िया है? अभी आई है, कल परसों साइन नहीं हुए ना। किसके साइन होने? स्कैनर आ चुका है ऑनलाइन के लिए, रिक्वेस्ट डालते हैं ना, तो ये मोटिंग पहले सेंटर आते हैं ऑनलाइन डालते हैं। ये पकड़े मुझे काउंटर लीजिए। जो भी स्टाफ था उसको रिव्यू नहीं किया जो हमारे पास, वो तो हम उसी भी नमस्कार, हम बाला ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप, और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर गुरुग्राम से सामने आ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में नजर आए हैं, एक बार फिर अनिल विज एक्शन मोड में नजर आए हैं। अपनी कार्यशैली, अपने छापेमारी को लेकर अनिल विज पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है, और एक बार फिर अनिल विज का वही एक्शन अवतार देखने को मिला है। और गुरुग्राम के सेक्टर 34 में स्थित नगर निगम कार्यालय में अनिल विज ने आज सुबह छापेमारी की है। तस्वीरें हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं कि किस तरह से अनिल विज अचानक नगर निगम कार्यालय में पहुंचे और वहां पर जांच उन्होंने शुरू कर दी है। अनिल विज की छापेमारी के बाद कहीं ना कहीं विभाग जो है, स्टाफ के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो जरूर सख्ते में आ गए थे, तो उसी के चलते जो है छापेमारी के दौरान माहौल जो है वो नगर निगम में काफी हम कह सकते हैं कि हलचल भरा पैदा हो गया था। लेकिन बड़ी बात यह है कि लगातार व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए, लगातार जनता को जो सुविधाएं हैं वो देने के लिए अनिल विज निरंतर प्रयास करते रहते हैं, और उसी के तहत अनिल विज ने आज गुरुग्राम के सेक्टर 34 में छापेमारी की है। नगर निगम कार्यालय में अनिल विज अचानक पहुंचे हैं और फिलहाल तस्वीरों में आपको साथ साथ दिखा रहे हैं कि किस तरह से नगर निगम से जो अधिकारी हैं उनसे पूछताछ करते हुए भी विज यहां पर नजर आ रहे हैं। उसके साथ साथ बात अगर दस्तावेज के चेकिंग की जाए तो इससे पहले जब जब अनिल विज ने पुलिस थानों में भी छापेमारी की है, करनाल नगर निगम में एक बार छापेमारी की थी, तो अक्सर इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं अनिल विज के छापेमारी से। तो आज फिर अनिल विज जो है वो अधिकारियों के जो ड्रॉअर्स हैं, टेबल्स हैं, वहां से फाइलें जांचते हुए नजर आए हैं, अधिकारियों से सवाल पूछते हुए नजर आए हैं, जो फाइल्स वहां पर पुरानी पड़ी मिली हैं उनको लेकर अनिल विज अधिकारियों से जवाब जो है वो तलब करते हुए नजर आए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि खुद ड्रॉअर्स ओपन कर रहे हैं अनिल विज, और फाइलें जो नीचे दबी हुई हैं वो निकाल कर पढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि फाइल्स पर तारीखें देखी जा रही हैं कि कौन सी फाइल कितने लंबे समय से पेंडिंग पड़ी है, क्योंकि विज ऐसे मंत्री हैं जिन्हें काम पेंडिंग रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहे वो अपनी ही कार्यालय की बात हो उनकी, वो भी रोजाना फाइलें जो है अपनी क्लियर करके निकलते हैं। और अधिकारियों को भी उन्होंने साफ निर्देश दिए हुए हैं कि जैसे ही कोई फाइल उनके टेबल पर आए उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, एक्शन किया जाए, और अगर बेवजह किसी को परेशान किया जाएगा तो अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। जनता को परेशान करने वाले अधिकारियों पर विज लगातार सख्ती के मूड में नजर आते हैं, सख्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। और फिलहाल गुरुग्राम के सेक्टर 34 में स्थित नगर निगम कार्यालय में छापेमारी की तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं, दस्तावेज चेक करते हुए भी विज नजर आ रहे हैं। और नगर निगम कार्यालय में इस छापेमारी के दौरान सभी कर्मचारी अधिकारी जो हैं वो सख्ते में नजर आए थे, कहीं ना कहीं सांस जो है वो कर्मचारी अधिकारियों की फूली हुई थी। खबर को ज्यादा से ज्यादा साथ साथ शेयर जरूर करते रहिएगा, क्योंकि एक बार फिर गृह मंत्री अनिल विज एक्शन मोड में नजर आए हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 34 नगर निगम कार्यालय में विज ने छापेमारी की है। दिल्ली पे विज जो है वो गए थे, और उसी दौरान बीच रास्ते में गुरुग्राम नगर निगम में ये छापेमारी की बड़ी कार्रवाई अनिल विज ने की है। क्या कुछ इस कार्रवाई के बाद निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि जब भी विज की ऐसी कोई कार्रवाई होती है, अगर कोई लापरवाही मिलती है, तो गाज जरूर कहीं ना कहीं कर्मचारी अधिकारियों पर गिरती हुई नजर आती है। जो अधिकारी लापरवाह होते हैं वो कहीं ना कहीं विज के एक्शन से बच नहीं पाते, और इस मामले में भी देखना यही होगा कि अगर गुरुग्राम नगर निगम में कोई खामियां मिलती हैं, अगर वहां पर कोई लापरवाही पाई जाती है, तो किस तरह की कार्रवाई के आदेश विज मौके से देते हैं।